हमने जो त्रिभुज लिया है समबाहु त्रिभुज लिया है, क्या लिया है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 का होगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर होंगे। हमने यहाँ निकाला भी है 180 और 3 का डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमें पता त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो हमारी किट में ये तीन पट्टी दे रखी है कांच की और तीन गोल के चांदे हैं जो 360 डिग्री के हैं। उनको मैंने इस तरीके से फिट किया है कि 5 से 19 पर यहाँ पर फिट किया है, 5 से 19 पर यहाँ पर पीच लगाया है और यहाँ से 5 से 19 पर पीच लगाया है, यानी समबाहु त्रिभुज, यानी 14-14 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजाएं 14-14 सेंटीमीटर की। तो आओ फिर जरा देखें कि क्या ये जो एंगल बन रहे हैं ये वाला तीनों एंगल समान है या नहीं है। तो भाई काउंट करके देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 60 का हो गया ये एंगल। ऐसे यहां पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 का ये एंगल हो गया। और इसे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 का ये एंगल हो गया। यानी कि इस उपकरण जो हमने किट में दे रखे हैं इनके द्वारा भी हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर बराबर हैं कितने।